तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे। अरविंद अकेला कल्लू और उमा यादव दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन, बनारसों के बनारस के पुरुषों के द्वारा गंगा माँ दुर्गा की आरती, गंगा आरती, सभी तरह के आयोजन है। दो दिनों का लेजर शो भी है जिसमें मोदी जी ने जितने मंदिरों का विकास का काम किए, जितने कॉरिडोर बनाए, जितने जगह वो तप करने के, वो सारे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, लेजर शो के माध्यम से हम लोग झारखंड की जनता और रांची की जनता को दिखाएंगे। वन पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, माँ के नौ रूप को बिलेजा शो से दिखाया जाएगा, आकर्षक कार्यक्रम होगा। आपके माध्यम से पूरे झारखंड और रांची की जनता को कहना चाहते हैं, आप पूरे परिवार के साथ आए और माँ की भक्ति में लीन हो, माँ का आशीर्वाद ले और भजन का भी आनंद ले। और बहुत सारे कलाकार जुटे हुए हैं यहाँ पे और भी सारे कलाकार आने वाले हैं, तो दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और मस्ती में झूमते रहिए और रांची को झुमाते रहिए। रांची झारखंड के सभी श्रद्धालुओं से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे पंडाल में आए और हमें आशीर्वाद दे, हमें धन नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दे और हमारा मनोबल बढ़ाएं कि एक बेटा भी आपका बिना किसी से एक रुपया लिए पंडाल और आपके लिए आयोजन किया, इसमें सब परिवार पहुंचे और हम लोगों को आशीर्वाद दे। जय माता दी। राजधानी रांची में श्री महावीर मंदिर पूजा समिति की ओर से 101 वर्षों से पूजा पारंपरिक ढंग से होती है। इस पूजा समिति में साज सज्जा के साथ साथ पूजा को पारंपरिक विधि विधान से करते हुए चंडी पाठ, कुमारी पूजा, पुष्पांजलि सहित मां दुर्गा की आराधना की जाती है। श्री महावीर मंदिर दुर्गा पूजा समिति थरपकना की ओर से पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से पूजा की जा रही है। यहाँ पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। वहीं मंदिर के इस प्रांगण में भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। षष्ठी के दिन माँ दुर्गे का पट खोल दिया जाता है, उसके बाद से आम भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। प्रतिदिन आरती और पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही दशमी के दिन यहाँ पर भोग का वितरण किया जाएगा। महाप्रसाद के वितरण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से यहाँ भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं भक्तों ने जिस तरह से आस्था और अपनी श्रद्धा दिखाई है, इस बार भी दुर्गा पूजा को यादगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ की खासियत जो है, सबसे पहले तो बता दूँ कि पूजा कब से हो रहा है। 1923 से शुरू हुआ ये पूजा, इस साल 101वां वर्ष बना रही है। खास बात यहाँ का है कि यहाँ जो भंडारा होता है उसका लागत पंडाल के खर्च से भी ज़्यादा होता है। हम आपके माध्यम से अपने उन पूर्वजों को भी आज नमन करते हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की। श्री महावीर मंदिर पूजा समिति का शहर में एक इतिहास रहा है कि हम एक चंदे से, ये आप दुर्गा पूजा का चंदा से हिंदुओं का जितना भी त्यौहार होता है उसका पूजा इस मंदिर में पूरे विधि विधान से होता है। और ख़ास बातें जो है यहाँ का महाभंडारा, इस बार हम लोग भंडारा लगाएंगे चूँकि 8वीं 9वीं और 10वीं का है, थोड़ा तारीखों में पूजा का जो समय सारणी है, तो हम लोग 12 तारीख को महाभंडारा करेंगे जो अपने आप में क्या यहाँ का लोकप्रिय भंडारा होता है। हजारों हजार लोग जुटते हैं जिसमें खिचड़ी सब्जी 3-4 प्रकार की, जो खिचड़ी के साथ चटनी होता है, पापड़ तिलौरी घी वगैरह, सभी को मुँह चीन के किसी को नहीं, अगर कोई बर्तन नहीं लाता है तो हम लोग उसके जगह में हंडी हुआ या पैकेट हुआ अपने मंदिर की ओर से निःशुल्क देते हैं। यही इस मंदिर की विशेषता है। 23 से हो रही है
जो इस वर्ष 101 साल में प्रवेश किया, और वही जो शुरू से हम लोग का विधि विधान होता है, जो हमारे पूर्वजों ने रखा है, उसी का हम लोग निर्वाह करते हैं और उसी विधि विधान से हम लोग पूजा करते हैं। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।